हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ब्रो का चैनल, ब्लॉगर सत्यम गुप्ता। तो आप देख सकते हैं आज हमारे साथ सिराज भैया हैं। तो आज हम इनसे पूरा डिटेल्स में पूछने वाले हैं कि अगर आप बाइक जो है वो अगर फाइनेंस करवाने के लिए जा रहे हैं तो क्या कुछ आपको पॉइंट्स जो है वो ध्यान में रखना चाहिए और कैसे आप अपने कुछ पैसे जो है वो बचा सकते हैं। तो पिछले हमारा वीडियो में इन्होंने काफ़ी हेल्प किया था, जिसमें कि हमने अपाची 162V का जो है वो फाइनेंस स्कीम बताया था। तो भैया आज हमारे साथ फिर से आ चुके हैं। ये जो आज मैं आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ये आपको मतलब ज़्यादातर कोई बताना नहीं चाहता है, बट फिर भी भैया आज हमारा हेल्प करने के लिए रेडी हुए हैं, तो ये हमें बता रहे हैं। और रहा बात शोरूम का कॉन्टैक्ट डिटेल्स का, तो वो मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। हम CLTVS में ये जो है वो शूट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट शोरूम पर भी आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद सिराज। तो अभी ये हमें फुल डिटेल्स बताने वाले हैं, तो सबसे पहले तो भैया आप ये बताइए कि हम जैसे बाइक अगर फाइनेंस करवाने के लिए आ रहे हैं तो किस टाइप से हमारा जो कुछ पैसा है वो बच सकता है। जैसे आप अगर IP जैसे इनकम प्रूफ दे देते हैं तो आपका 100% लोन दे देंगे। 100%? हाँ, 100% लोन। जैसे इनकम प्रूफ में क्या क्या आ गया? इनकम प्रूफ में आपका सैलरी स्लिप हो गया, IT जैसे ITR हो गया, मतलब बिजनेसमैन का ITR हो गया, और जो जॉब करता है उसका सैलरी स्लिप, सैलरी स्लिप हो गया। ठीक है, मतलब इनकम प्रूफ अगर ये सब हम दे देते हैं तो आप 100% तक हमें लोन कर दीजिएगा। ऑन हाउस प्रूफ जैसे बिजली बिल वगैरह हो गया। अच्छा। ये सब देते हैं। और जिसका इनकम प्रूफ नहीं रहता है वो किस तरह से? नहीं रहता है तो जैसे डाउन पेमेंट अगर बढ़ा के देते हैं तो उसमें क्या होगा कि उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। अच्छा, तो अब मान लीजिए जैसे कि ये तो हो गया इनकम प्रूफ का बात, इससे हमें 100% का लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे अगर हम डाउन पेमेंट ज्यादा करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है लोन पे? उससे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना वो आपका कम लगेगा। कम लग जाएगा? हाँ, कम लगेगा। टेन्योर भी कम होगा तो उससे आपका इंटरेस्ट कम लगेगा। टेन्योर कम मतलब जैसे क्या? जैसे आप जैसे ज्यादा डाउन पेमेंट दे रहे हैं और कम समय के लिए कर रहे हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा। हाँ। और अगर हम जैसे मान लीजिए कम अगर डाउन पेमेंट करना चाहते हैं और टेन्योर भी हम कम रखना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है? नहीं, वैसा तो नहीं होगा, क्योंकि कम डाउन पेमेंट में टेन्योर ज्यादा लेना पड़ेगा, और अगर हम कम करते हैं तो आपका MI जो होता है वो ज्यादा आ जाएगा, तो वो मतलब ज्यादा MI आपका एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ऊपर से फिर रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, तो ये मतलब प्रोसेस है। हाँ। तो ये हो गया डाउन पेमेंट का बात। अब मान लीजिए जैसे हम डाउन पेमेंट अगर ज्यादा करते हैं तो कितना परसेंट तक जैसे हमें ज्यादा करना होगा? जैसे मान लीजिए कि अगर हम अपाची लेते हैं या कोई सी भी अगर हम बाइक लेने के लिए आते हैं, मान लीजिए सपोज डेट उसका ऑन रोड प्राइस 1,20,000 या 30,000 के समथिंग है, तो कितना हमें मतलब मैक्सिमम जो है वो डाउन पेमेंट करने से बेनिफिट मिल पाएगा? जैसे आप कम से कम 60+ कीजिए। 60? हाँ, मतलब जैसे 60% या 60,000? नहीं, 60,000। अच्छा, 60 मतलब 65,000 कर दीजिए, 70,000 तक कर दीजिए, तो उसमें क्या कि टेन्योर कम मिलेगा। अच्छा, उसमें आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। हाँ। तो टेन्योर ऐसे कितना टेन्योर लेने में सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है? जैसे कितना मंथ के लिए कराने में? 12th मंथ का ले लीजिए। 12 मंथ? हाँ, 12 मंथ का ले लीजिए। 12th मंथ का टेनर रहेगा, आपको 11 महीने देना है। 11 महीने ही देना है? और एक महीना का क्या रहता है? एक महीना जो है आपका इंस्टा जो है ना डाउन पेमेंट दे रहे हैं उसी में आपका ऐड रहेगा, यानी एक महीना आपको मिल रहा है बेनिफिट मिल रहा है। तो मतलब हमें पेमेंट 11 महीना ही करना है? 11 महीना ही करना। तो जैसे जितना कम टेन्योर लेते हैं इंटरेस्ट उतना कम हमें लगता है। कम लगता है, और उसमें हमें डाउन पेमेंट भी ज्यादा करना पड़ता है। डाउन पेमेंट ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। और जैसे अगर मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर जैसे आपने बताया, तो और जैसे कुछ आप बताना चाहेंगे कि जैसे हमें और किस तरह से कुछ बेनिफिट मिल सकता है अगर हम फाइनेंस कराने आते हैं? नहीं, वैसा तो और कुछ नहीं है, जो भी था वो आपको तो बता ही दिए। अच्छा, तो अभी जैसे मान लीजिए कि जो एक ऑफर चलते रहता है कि मतलब 0% इंटरेस्ट रेट, तो उसमें 0% वाला वो कंपनी का जैसे सीजन वगैरह में निकालता है। अच्छा, अच्छा। तो उस समय मिलता है, मतलब ज्यादातर फेस्टिवल टाइम में ही निकलता है। फेस्टिवल टाइम में ही होता है। तो उसमें क्या रहता है ऑफर की? मतलब ये रहता है कि मतलब ज्यादा डाउन पेमेंट हमें करना पड़ता है। हाँ हाँ, ज्यादा डाउन पेमेंट करना पड़ता है, और उसमें टेन्योर हमें लगता है कि 12 महीना ही के लगभग रहता है ना। तो ज्यादा डाउन पेमेंट में आपका टेन्योर कम रहेगा। टेन्योर कम रहेगा, तो वो स्कीम जो रहता है वो हर समय नहीं मिलता है। हर समय नहीं, कोई सी भी कंपनी रहे। हाँ, हाँ। तो अगर हम मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर सब प्रोवाइड करते हैं तो सिविल स्कोर जैसे आप लोग जो चेक करते हैं उसका भी कुछ रोल रहता है क्या? हाँ, उसका भी जैसे मान लीजिए आपका अगर 600 से कम है सिविल स्कोर तो फिर मतलब फाइनेंस थोड़ा सा दिक्कत होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। हाँ, रेट ऑफ नहीं, जैसे अगर सिविल आपका कम है तो 600 से कम है तो फिर मुश्किल होता है फाइनेंस करने में ही दिक्कत। फाइनेंस करने में दिक्कत होता है। और अगर बात कर लेते हैं जैसे एज पर भी कुछ डिपेंड करता है क्या इंटरेस्ट रेट? नहीं, एज पर कोई डिपेंड नहीं। जैसे काफी लोग पूछता है कि जैसे मेरा एज ये है वो है तो नहीं, मतलब नहीं, उस पे भी इंटरेस्ट रेट कुछ आता है क्या? नहीं, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। एज से कोई फर्क? और ऐसे मतलब जैसे अगर मान लीजिए लेडीज के नाम पर लेते हैं या जेंट्स के नाम पर तो उसमें भी कुछ नहीं, वैसा उसमें भी कोई थी नहीं, कोई इंटरेस्ट से कोई मतलब फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। तो मतलब मोटा मोटी में बात यही रहा कि अगर हम डाउन पेमेंट ज्यादा करते हैं तो हमें इंटरेस्ट कम देना होगा, और अगर हम डॉक्यूमेंट्स जैसे अगर
सैलरी स्लिप वगैरह अगर प्रोवाइड कर देते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा अमाउंट का अमाउंट का लोन ले सकते हैं। हाँ। उसके लिए एलिजिबल मिल सकता है हमको ज्यादा लोन का। और अगर जैसे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास कम है तो ज्यादा से ज्यादा हमें मतलब 100% लोन नहीं मिल पाएगा। अच्छा, और मिनिमम एज क्या रहना चाहिए? मिनिमम 21। लोन करवाने के लिए, लोन करवाने और उससे कम जो है अगर उससे कम है तो जैसे मान लिया अगर हम लेना चाह रहे हैं गाड़ी और मेरा एज अगर कम है 21 से कम है तो हमको कोई मतलब किसी फादर या बड़े भाई का कोएप्लिकेंट देना होगा। कोएप्लिकेंट रहने से हो जाता है। तो उसमें भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में फर्क पड़ता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो गाड़ी किसके नाम पर जैसे रहेगा, मेरे या जो कोएप्लिकेंट रहेगा उसके नाम? जैसे हम गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो हम अपने बड़े भाई का कोएप्लिकेंट दिए तो उसके नाम से नहीं रहेगा, मेरे ही नाम से गाड़ी रहेगा, आप ही के नाम से रहेगा। और एक जो ये रहता है कि मतलब चेक भी देना पड़ जाता है तो चेक किस में देना पड़ता है? जैसे देखिए हर फाइनेंस यहाँ पे बहुत सारा है तो कोई फाइनेंसर ऐसा फाइनेंस कंपनी है जिसमें चेक लगता है। अच्छा, और बहुत सारा ऐसा फाइनेंस कंपनी जिसमें चेक नहीं लगता। और जैसे अगर TVS क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें चेक देना पड़ता है? नहीं, कोई इसमें चेक देने की जरूरत नहीं। अच्छा, और मैक्सिमम और मिनिमम भी कुछ होता है क्या? जैसे एक होता है कि नहीं इतना इंटरेस्ट अगर जैसे मतलब जो मंथली है उससे ज्यादा आप लोग EMI नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, जैसे आपका क्या है ना एक क्राइटेरिया है कि इससे ज्यादा अगर आप EMI डालते हैं तो ऑटोमेटिक आपका मतलब जो है सो नहीं लेता है। तो मैक्सिमम कितना तक हमें मंथली EMI मिल सकता है? जैसे मैक्सिमम आपका 4000 से नीचे ही रहेगा मंथली। हाँ, तो TVS क्रेडिट में। हाँ, बाकी और भी फाइनेंस लोग का जो है, और भी जैसे अदर फाइनेंस है उसमें कुछ ज्यादा भी रहता है। मतलब आप अपनी कंपनी का बता सकते हैं कि मतलब 4000 से नीचे रहेगा तो 4900 मतलब 4000 से नीचे है तो अच्छा है, तब कोई दिक्कत नहीं। तब इनकम प्रूफ नहीं भी देने से मतलब आप कर दीजिएगा लोन, और उससे ज्यादा फिर रहने से फिर दिक्कत होता है। तो ये था फ्रेंड्स पूरा फाइनेंस प्रोसेस हमें भैया ने बताया है, तो हम इन्हें स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे। अगर आप शोरूम आ रहे हैं तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके जितने भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।